बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। कभी रोज घर के टीवी पर दिखने वाले टीवी स्टार्स अचानक से गायब हो जाते हैं, तो आज हम ऐसे ही टीवी स्टार्स के बारे में जानेंगे जो लगभग टीवी से गायब हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं करण मेहरा की। करण मेहरा यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक। इस शो में उनका ये कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ और वो घर घर में एक आइडियलिस्टिक बेटे के तौर पर पहचान बनाते नजर आए। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है को बीच में ही छोड़ देने के बाद करण मेहरा इसके बाद किसी भी शो में नजर नहीं आए हैं। हालांकि उनके ऑपोजिट जो एक्ट्रेस हिना खान थी, वो बॉलीवुड के साथ साथ टीवी में भी कई सारे दमदार रोल करते हुए दिखी हैं। इसके बाद बात करते हैं विवेक दहिया की। ये है मोहब्बतें और भी कई सारे शोज में नजर आ चुके विवेक दहिया इंडस्ट्री से काफी दूर हैं। ये है मोहब्बतें के बाद विवेक दहिया ने कयामत की रात और साथ ही कई सारे शोज में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी भी दमदार शो में नहीं देखा गया है। हालांकि उन्होंने ये है मोहब्बते की लीड एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी से शादी की, जिसके चलते वो लाइमलाइट में बने रहते हैं। मौली गांगुली। सुधा चंद्रन की कहीं किसी रोज सीरियल में काम कर चुकी मौली गांगुली भी पर्दे पर काफी समय से गायब हैं। इस शो से मौली को काफी पहचान मिली थी। हालांकि इसके बाद उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण में देखा गया था, लेकिन वो शो भी काफी पहले आया था। फैंस मौली गांगुली को छोटे पर्दे पर काफी मिस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं संगीता घोष की। किस देश में निकला होगा चांद जैसे सीरियल से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली संगीता घोष आज स्क्रीन से एकदम गायब हैं। जमाना हो चुका उन्हें छोटे पर्दे पर देखे हुए। यूं तो संगीता ने कई सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन असल पहचान मिली उन्हें किस देश में निकला होगा चांद नाम के सीरियल से। श्रद्धा निगम। कभी टेलीविजन की दुनिया में छाई रहने वाली श्रद्धा निगम काफी समय से छोटे पर्दे पर नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने काफी पॉपुलर शोज में काम किया और घर घर में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उनकी शादी करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन ये शादी टूट गई। शहजान खान। कसौटी जिंदगी की में जब भी अनुराग बासु के कैरेक्टर का नाम सामने आता है, तो हमें शहजान खान का नाम ही दिखता है। वो अनुराग बासु का किरदार निभाकर रातों रात फेमस हो गए थे, लेकिन जैसे ही ये शो टॉप पर पहुंचा, शहजान खान की पॉपुलैरिटी अपने आप गायब हो गई, और उसकी वजह ये थी कि शहजान छोटे पर्दे से गायब हो गए। पूनम नरूला। पूनम नरूला भी कसौटी जिंदगी शो से ही हिट हुई थी। हालांकि इस शो के बाद पूनम कुछ और शोज में नजर आईं, लेकिन पर्सनल लाइफ के चलते उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से विदा ले लिया। अब वो किस शो में नजर आती हैं और टीवी इंडस्ट्री में वापस लौटेंगी या फिर नहीं, इस पर भी काफी चर्चाएं होती हैं। श्वेता क्वात्रा। कई सारे शोज में वैम्प का किरदार निभा चुकी श्वेता क्वात्रा भी काफी समय से टीवी पर नहीं दिखी है। मीरा रिपोर्ट्स की माने तो 2012 के बाद उन्होंने कोई शो नहीं किया है। उन्हें असली पहचान कहानी घर घर नाम के शो से मिली थी। वेल, तो ये थे टीवी के ऐसे एक्टर्स जो एक टाइम पर काफी पॉपुलर थे, लेकिन अब वो टीवी इंडस्ट्री से गायब हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।